नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चीज़ क्यूब के बारे में और चीज़ क्यूब खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं उनके बारे में। तो ये वीडियो लास्ट तक आप देखते रहिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज हम अमूल चीज़ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही क्रीमी, मखमली और सॉफ्ट होता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसको बहुत ही टेस्ट से खाते हैं। इस चीज़ को जो कहते हैं प्रोसेस्ड चीज़ क्यूब कहते हैं। इसके अंदर 8 चीज़ क्यूब होते हैं और इसके साइड में बताया गया है कि और कितने अलग अलग पैकिंग में और अलग अलग क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट अमूल का आता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इस प्रोडक्ट में जो है इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है। तो देखिए, प्रोसेस चीज़ में सबसे पहले चीज़ है, एमल्सीफाइंग सॉल्ट है और कॉमन सॉल्ट है, और इसमें थोड़ा प्रिजर्वेटिव डाला गया है जो इसे लंबे समय तक रखेगा प्रिजर्व करके। ये जो है 114 रुपये का आता है। इसे, ये 100% वेजिटेरियन है। इसे आपको 4 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान पर रखना है और 9 मंथ के अंदर इसको हमें यूज़ करना होता है। तो ये इसकी थी पैकेज, मैंने आपको पूरा शो किया और इसकी डिटेलिंग ये है। और इसका एक क्यूब निकाल कर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। एडल्ट तो पूरा खा सकते हैं, कई बार बच्चे भी पूरा खा लेते हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ आधा खाना है तो आप इसको आधा भी खा के और वापस इसमें पैक करके एल्यूमिनियम फॉइल में इसमें वापस रख सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, फास्फोरस होता है, जो हमारे दांतों को लंबे समय तक मजबूत बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और इसमें जो चीज़ में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे मसल्स बनाने के लिए बहुत ही सहायक होती है। इसमें सैचुरेटेड फैट, अगर आप देखेंगे पैक के पीछे लिखा हुआ है कि सैचुरेटेड फैट है 16, मतलब 100 ग्राम में आपको 16 सैचुरेटेड फैट मिलेगा, जो हमारे वज़न कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा माना गया है कि कई तरह के कैंसर में जो है, ब्रेस्ट कैंसर और अलग अलग तरह के कैंसर में चीज़ जो खाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। जिसको उच्च रक्तचाप है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें प्रोटीन पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, जो इसे कंट्रोल करने में मदद करता है। प्रेगनेंसी में ये बहुत लाभदायक है क्योंकि इसमें कैल्शियम है, विटामिन है, मिनरल है, जो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अगर आपको मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, जिससे कि कई लेडीज़ों को परेशानी आती है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो ये उसमें आपको फ़ायदा देता है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। नींद लाने में ये मदद करता है। त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है, एकदम चमकदार त्वचा इससे बनती है। बालों का स्वास्थ्य इससे अच्छा होता है क्योंकि चीज़ में जिंक, विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो बालों को झड़ने से रोकता है। देखिए, अगर आपको किसी तरह की कोई एलर्जी प्रॉब्लम है तो आप इसको अधिक मात्रा में ना खाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे एलर्जी बढ़ सकती है। दूसरा, अगर आपको चीज़ खाने से काफ़ी हैवी और फैटी महसूस होता है तो आप इसे लिमिटेड मात्रा में ही खाएं। और तीसरी बात ये है कि इसमें जो है प्रोटीन बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, और कई लोग प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो उन्हें दस्त, गैस, कब्ज, अस्थमा, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आप पहले इसको देख लें कि आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद ही इसका सेवन करें। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।